इसी के साथ जयपुर एसीबी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, जयपुर एसीबी की कार्रवाई इस समय देखने को मिल रही है। आपको पता है एसीबी की बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर से खबर आई है, जहां कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बीएल सोनी के रिटायरमेंट के बाद से ही पद खाली चल रहा था, जिसको कि एवन न्यूज ने दो दिन पहले ही संकेत दे दिए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एबीसी के डीजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से जहां बीएल सोनी के रिटायरमेंट के बाद से ही पद खाली चल रहा था। जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एबीसी के डीजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एबीसी के डीजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल, एसीबी का जो अभी दो दिन पहले जो 31 तारीख को जो रिटायर हुए थे बीएल सोनी साहब, और उसके बाद से लगातार जो पद था वो खाली चल रहा था। और दो दिन पहले यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में एक छोटी सी जो पार्टी थी वो एसीबी की ओर से, अधिकारियों की ओर से बीएल सोनी साहब को दी गई थी अभी एसीबी मुख्यालय के अंदर। और चूंकि उस दौरान हेमंत प्रियदर्शी जो है आईपीएस, वो किसी काम के सिलसिले में राजस्थान से बाहर थे, ऐसे में जब वो वापस लौटे हैं तो बीएल सोनी साहब की सेवानिवृत्ति के बाद में अब उनको अतिरिक्त जो चार्ज है एसीबी डीजी का वो यहाँ पर सौंपा गया है। और उसके बाद क्योंकि जो पद खाली चल रहा था, उसके बाद ये जिम्मेदारी तय हो जाती है सीट को भरने की, और इसी के चलते यहाँ पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए एसीबी डीजीपी के एक एक पद पर हेमंत प्रियदर्शी हैं जो आईपीएस, उनको यहाँ पर उनको एक कार्यभार सौंपा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लगातार जैसे ही साल बदला और उसके बाद प्रमोशन लिस्ट आई, उसके बाद से आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर के जो चर्चा बनी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के मामले से लेकर जुड़ी है। चूंकि जो बीच में नाम जुड़ा था यहाँ पर राजीव शर्मा जी, चूंकि वो एडीजी से डीजी बनाए गए, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि राजीव शर्मा जी को शायद हो सकता है कि कमान सौंपी जाए जब उनको डीजी बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जो हेमंत प्रियदर्शी है उनको अब ये अतिरिक्त जो चार्ज है वो एसीबी के डीजी का वो यहाँ पर सौंपा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक-दो दिन के अंदर जो आईपीएस की जो लिस्ट आएगी, उस आईपीएस की लिस्ट के अंदर यहाँ पर बदलाव फिर से जो है हो सकता है। लेकिन अब जो एसीबी के बेड़े की जो कमान है वो फिलहाल जो हेमंत प्रियदर्शी है वो यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में संभालेंगे। बिल्कुल जी यादवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।